पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि हाइपर ओएस का लेटेस्ट वर्जन 2.0.107 मोड है, जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम भी देखने को मिलता है और इनका एक बेहतरीन रोम भी हमें पहले देखने को मिला है जो कि हाइपर ओएस 2.2 था, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट ये जो नया अपडेट, इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली लगी है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या फिर नहीं डालना। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक और शेयर जरूर करना। यहाँ पे जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूँ, चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसके खुद के विजेट सपोर्ट यूज कर रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे अनलॉक मिलते हैं और आइकन एनिमेशंस वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रॉपर काम करता हुआ मिल जाता है। एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग या रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ रहता है, जो कि अच्छा लगा है मुझे। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, लेकिन हाँ, फर्स्ट जब आप सेटअप करते हो तो कहीं कहीं पर आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार जैसे ही कंप्लीट सेटअप कर लेते हो, वन डे यहाँ पे इस रोम को यूज करते हुए गुजार देते हो, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सही काम करता है। वहीं पे माई डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पोको F6 डेडपूल एडिशन है, पहले भी जो था वो डेडपूल एडिशन ही था, बट मैंने डेडपूल ऐड नहीं करा था टाइटल के अंदर। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 15 5 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे कर्नल है जो इस बार डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, और एक अच्छी बात यह है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पीसी मेथड वाला इंस्टॉलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया इस बार ये हाइब्रिड रोम है, तो आप चाहो तो अपने रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो TDLRP ऑरेंज फॉक्स वगैरह से, जो भी आपका काम करते हुए दिखाई देता है, या फिर आपके पास पीसी है तो बैट फाइल रन करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बेसिक कॉमन चीज़ की बात करें तो यहाँ पे चाइना बेस है, बट यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो वो आपको मिल जाता है, तो जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ओवरऑल सारे लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करे गए हैं। बाकी यहाँ पे सर्कल टू सर्च, गेम टर्बो, टैप प्लस, एक्टिव विजुअल, मल्टी और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह है जो मिल जाते हैं। AI वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, हेल्दी डिवाइस यूजेज मिल जाता है। बैटरी के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग जो ऑफिशियली नहीं दिया गया था वो भी यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी मिसिंग देखने को मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। बैटरी के अलावा यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो डार्क मोड के अंदर एक लोचा है, वो है डार्क मोड के सारे एप्लीकेशन शो नहीं करते, और ये लोचा भाई ऑफिशियली Xiaomi ने ही करके रख रखा है चाइना वाले रोम के अंदर, जो कि MIUI 14 से आज तक इन्होंने फिक्स ही नहीं किया है चाइना में, जबकि ग्लोबल में ये चीज़ हमें फिक्स मिलती है। तो हमारे मेंटेनर में भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए ये चीज़ आपको मिसिंग देखने को मिलती है, फिक्स नहीं है। बाकी 120 यहाँ पे आपका है, और साथ साथ 1690 भी अनलॉक किया गया है, 1 वगैरह भी, तो आपको गेमिंग करना है तब इसे 1 पे भी रख के यूज कर सकते हो। अदर यहाँ पे होम लॉन्चर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँ कि ओवरऑल काफ़ी सही है, कोई खास एक्स्ट्रा मोटिवेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथनेस आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोड रोम में आपको पता है हल्का फुल्का स्मूथनेस से रिलेटेड हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं की गई है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। साथ साथ नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन नंबर आइकन शो, जो कि आप 5 तक रख सकते हो। बाकी वही सारे कॉमन बेसिक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है हमारे यहाँ पे आइटम्स अनलॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइप डाउन, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन सेट चाहिए नहीं, कंट्रोल सेंटर चाहिए नहीं, स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल चाहिए नहीं, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, तो सेफ्टी से रिलेटेड अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको ये सारे लॉक वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको AOD मिलता ही है, जो कि अनलॉक किया गया है, बट मैं रिकमेंड करूँगा 10 सेकंड कहीं यूज करो या फिर ना यूज करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और AI वॉलपेपर वगैरह हमारा प्रॉपर काम करता है, क्योंकि कुछ कुछ रोम में काम नहीं कर पाता, बट यहाँ पे वर्किंग रहता है तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आती। साथ साथ इसका खुद का एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि POCN प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे दिखाई देता है, और एक फाइनल अप्लाई का बटन भी आपको मिलता है। यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह, इनके चैनल वगैरह और सपोर्ट वगैरह देखने को मिलता है। आइकन कस्टमाइजेशन दिया गया है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, और जितने भी हाइपर ओएस के इस टाइप के कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स आते हैं ना, उनमें जो यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने का आइकन रहता है ना, ये सभी में डेड रहता है, चाहे वो पोको F5 में मैंने चेक किया हो, या फिर F4 में चेक किया हो, या F6 में, सभी में ये वाला ऑप्शन डेड रहता है, और ये चीज़ यहाँ पे भी मैंने नोटिस करी है। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो यहाँ पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी सिग्नल यहाँ पे आइकन वगैरह चेंज कर लो, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको चेंज होते हुए नजर आ जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज से रिलेटेड लोचा रहता है। बाकी यहाँ पे आपको जो भी आइकन वगैरह चाहिए वो आप रख सकते हो, और मैंने यहाँ पे रख भी रखा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन सिवाय वोल्टेज है। यहाँ पे हम बात करें हिडन सेटिंग की, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह, ऐप लैंग्वेज, क्विक रिप्लाई, डेटा सेवर, एक्स्ट्रा डीम के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर आप मी अकाउंट को हाइड कर सकते हो, यहाँ पे ऐप डाउनग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। थीम सर्वर का आप सिर्फ और सिर्फ चाइना टू ग्लोबल ही चेंज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे
के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि पिक्सल का है, फोटो स्टोरेज वगैरह का है, FPS का है, नेटफ्लिक का है और स्नैपचैट वगैरह का, और ये सारे काम करते हैं, तो ये आपके डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। वहीं पे हम बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 120Hz फुली इनेबल किया गया है सभी एप्लीकेशन के लिए। इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन है, डोंट किल ऐप का है, रोटेशन का है, यहाँ पे आप चाहो तो जो डेडपूल एडिशन नेम है उसे भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर मैंने आपको शो कर ही दिया है, अगर हैं नोटिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये स्टेटस बार जहाँ पे कलर नोटिफिकेशन, डिसेबल प्राइवेसी डॉट इंडक्टर, एक्सटेंडेड पावर मेनू और हाइड स्मॉल HD आइकन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सारी चीज़ जो भी आप करना चाहते हो करो, और एक बार यहाँ पे अप्लाई बटन का यूज कर लो अगर आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो अप्लाई बटन का यूज करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पे मैंने जितना भी यूज किया है कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आई, अप्लाई बटन का यूज करना ही नहीं पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें सही है और रोम रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूदी फील होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये उतना ज़्यादा स्मूद है जितना कि 2.2 हाई प्रो एस मैंने दिया था, इन्हीं मेंटेन की तरफ से मनाया गया था, तो नहीं, उसके कंपेरिजन में मुझे थोड़ा सा डाउन साइड में कहूँ कि लगा है। लेकिन हाँ, जब आप पर्सनली इसे यूज करते हो, 2.2 को यूज नहीं कर रखे हो, तो आपको 1% का भी फील नहीं आने वाला कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो नहीं है सही। यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से काम करता है, और यहाँ पे फोल्डर के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है जो कि शॉर्ट ऐप, ऑटोमेटिक, टुडे रिकमेंडेशन, ये दो नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे, और ये विजेट्स वगैरह तो आप इनके विजेट्स के ऑप्शन में जाके इनेबल कर ही सकते हो, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती और ये सारे शॉर्टकट्स हमारे इजीली काम कर जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि हमारा 6.1 का जो कैमरा आया था वही है, तो यहाँ पे सारे फीचर्स मिलते हैं आपके प्रॉपर वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पे कुछ प्रॉप्स वाले भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं क्विक सेटअप वगैरह के साथ। वहीं पर हम बात करें इसके टेस्ट रिजल्ट की, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में, तो चलिए आइए चेकआउट करते हैं हर एक चीज़ को। तो सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतनी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अंदर यहाँ पे मैंने सेटअप वगैरह किया, कैमरा चेक किया जो कि हमारा काम करता है, साथ साथ यहाँ पे ऐप स्टोर अपडेट हो जाया हुआ है, तो 2-3 आइकन यहाँ पे इस तरीके से बन जाते हैं और शो होते हैं, तो ये तो ऐप का फीचर है प्ले स्टोर का। बाकी L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस वगैरह का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, फोटो स्टोरेज अनलॉक है क्योंकि सेटिंग दिया गया है। ये नॉर्मल टेस्टिंग था हमारा 1-2 स्कोर का, जहाँ पे आप देखो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गया है और वहाँ पे फैन वैन चालू नहीं था, इसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा डाउन आया, बट जैसे मैं फ़ैन यूज करता हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, टेम्परेचर सिमिलर है। लेकिन जब वन डे कंप्लीट होता है और उसके बाद जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई देता है और टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल आ जाता है। वैसे भी गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है तो ये फ़ोन ऑलरेडी थोड़ा बहुत हीट होता है, वैसे में थोड़ा और हीट होगा, तो जब भी यूज करो कूलर, फ़ैन, AC के साथ यूज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी रोम डालो भाई ये चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 46 के बाद मॉर्निंग में आता है 44, जहां पे फुल नाइट में ओनली 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। वहीं पे ये देख सकते हो कि सिक्योरिटी टूल एजेंट रिस्पॉन्डिंग देखने को मिला, ये मुझे 2 times देखने को मिला, एक चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये प्रॉब्लम कब आया है, जब आप अपने सिक्योरिटी ऐप के अंदर आते हो और यहाँ पे आप इसे यूज कर देते हो अल्ट्रा मोड के ऊपर, और जब आप सर्फिंग वगैरह करते हो जो टूल जहाँ पे एक्टिव रहेगा ना वहाँ पे रिस्पॉन्ड का इशू देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो और लैग वाला फील होगा, मे बी समटाइम आपका UI भी ठीक से काम ना करे, तो इसका जो सिक्योरिटी ऐप है ये थोड़ा सा मुझे बगी लगा है, प्रॉपर काम नहीं करता जब आप इसे अल्ट्रा मोड में स्विच कर देते हो। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसे इस पर स्विच मत करना, या फिर मैनुअली अपने सिक्योरिटी ऐप को अपडेट कर लो उसके बाद यूज करो तो दिक्कत नहीं आएगी। और चार्जिंग ऑप्शन वगैरह आपका यहाँ पे काम करता है, इसमें दिक्कत नहीं आती, बस एक यहाँ पे जो ऑप्शन है ना अल्टीमेट, इसी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे इशू देखने को मिला है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके अलावा और कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है। साथ साथ एक और काफ़ी बेहतरीन चीज़ मैं कहूँगा कि है वो है हमारा डिवाइस सर्टिफाइड, और इनके तरफ से जितने भी रोम आते हैं ना उनमें 3 पास रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जबकि कोई भी आप अदर रोम यूज करोगे ना उनमें ये थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग हमेशा फेल ही रहता है, सिवाय इनके रोम के अंदर ये 3 पास हमें मिलता है, तो इसी मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ साथ गेमिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी सेटिंग अनलॉक मिलता है, तो इससे भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब रही बात इंस्टॉलेशन, तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, आप चाहो तो TLRPC से फ्लैश कर लो या फिर बैट फायर रन करके भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि अब ये फाइनली हाइब्रिड रोम में अवेलेबल हो चुका है, तो आपकी मर्जी है, मैं इंस्टॉलेशन गाइड लास्ट में ऐड कर दूंगा जिसे आप फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर पाओगे। अब आप देख सकते हो हल्का फुल्का आपको जिटर और लैग देखने को मिला हुआ, ये क्यों, क्योंकि मैंने अभी अल्ट्रा जो है ना अल्टीमेट मोड उसे एक्टिवेट किया था और बाद में डीएक्टिवेट कर दिया, तो उसे जैसे आप यूज करते हो ना थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है, अदरवाइज ऐसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
हाइब्रिड रोम को फ्लैश करने के दो तरीके होते हैं, या तो TWRP मेथड या फिर PC मेथड। तो यहाँ पे पहले TWRP देखेंगे फिर PC। सबसे पहले फोन को ऑफ करना है, पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है जिससे आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। जो भी रिकमेंडेड रिकवरी रहेगा उसी का यूज करना है। उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर जो रोम है उसे ब्राउज करना है, सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। मे भी कुछ रोम में है जो परमिशन मांगता है कि आपको रूट करना है या नहीं, कर्नल फ्लैश करना है या नहीं। तो अगर आता है तो वॉल्यूम अप डाउन का और पावर बटन का यूज करते हुए आप अपना कमांड रन करवा सकते हो और फ्लैश करवा सकते हो, अदरवाइज सिंपली फ्लैश हो जाएगा। अगर फ्लैशिंग के टाइम में कोई भी एरर आता है तो आप सिंपल रिबूट टू रिकवरी करके रोम को रीफ्लैश करो। और ऐसे सिचुएशन में समटाइम आपका जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी और रिकवरी के साथ, तो उसी रिकवरी का यूज करते हुए आप रोम को फिर से रीफ्लैश कर देना। ध्यान रखना कि आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश होना चाहिए, चाहे वो रिकमेंडेड रिकवरी हो या जो रिप्लेस हुआ है उसके हेल्प से हो। जब कंप्लीट फ्लैश होता है तब एक बार रिबूट टू रिकवरी कर लेना और फाइनल फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट करने के बाद जैसे आप रिबूट करोगे कुछ ही मिनट में आपका फोन ऑन हो जाएगा, आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। ये था हमारा TWRP मेथड। अब बात करते हैं PC मेथड की। तो उसके लिए फिर से आपको अपने फोन को स्विच ऑफ करना है, पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है जिससे आपका फोन फास्टफूड लोगो शो करेगा। अब PC पे आना है, जो भी आपका हाइब्रिड रोम है उसे आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद उसमें मे बी कई बार आपको इंस्टॉलर फाइल एक देखने को मिलेगा, कई बार 4-5 देखने को मिलेगा, तो अपने हिसाब से इंस्टॉलर फाइल को पिक कर लेना। और पिक करने के बाद जैसे आप इंस्टॉलर को रन करते हो तो कोई सिंपल रोम रहता है तो वो इजिली फ्लैश होने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन कोई भी ऐसा एडवांस रोम रहता है तो उसमें आपको पूछता है कि आपको रोम को डिवाइस को रूट करना है या नहीं। तो उसके अनुसार ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1 और 2, तो आप अपने नीड के हिसाब से पिक कर सकते हो। अगर आपको रूट करना है तो 1 क्लिक करके इंटर कर दो, अगर नहीं करना है तो 2 क्लिक करके इंटर कर दो। जैसे कि मैंने 1 किया, तब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या से रूट करना है, मैजिक या KSU नेक्स्ट या फिर KSU। तो ABC का ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे नेक्स्ट करूंगा उसके बाद आप देखोगे फ्लैश होने लग गया और फिर से पूछ रहा है कि आपको स्टॉक कर्नल डालना है या फिर कस्टम डालना है। तो आप अपने नीड के हिसाब से फिर से यहाँ पे D और E में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि E। अब यहाँ पे कस्टम में 2 है, एक IS है एक RK है, तो उसके अनुसार आप FG जो भी चाहो। मैं यहाँ पे एग्जांपल में क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब ये फ्लैश करना चालू कर देगा। तो ये जो फ्लैश चालू हो रहा है ना, ये नॉर्मल रोम में ऐसे ही फ्लैश होने लग जाता है विदाउट कुछ पूछे हुए। तो जब तक ये फ्लैश होता है आपको वेट करना है, बैठ जाना है, उसका लास्ट में मे बी आपसे पूछेगा कि इंटरनल फॉर्मेट करना है या नहीं, तो यस कर देना और इंटर कर देना क्योंकि ये कंपलसरी होता है। जैसे आपका इंटरनल फॉर्मेट होगा आपका कमांड विंडो क्लोज हो जाएगा, फोन ऑफ होके ऑन होगा और कुछ ही मिनट में आपको बूट एनिमेशन लोगो वगैरह देखने को मिलेगा और आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है, बस फॉलो करते जाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।